उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बृहस्पतिवार को अकीदत के साथ ईद मनाई गई। पाक रमजान की इबादत के बाद लोगों ने इबादत गाहों में ईद की नमाज अदा की। निर्धारित समय पर लोग नमाज अदा करने पहुंचे तो इबादत गाहों के आसपास रौनक बढ़ गई। एक साथ अनेक लोगों ने तरक्की और खुशहाली की दुआ की। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। ईद की मीठी सेवाइयां और पकवानों से मेहमानों का स्वागत किया गया तो संचार माध्यमों से भी लोगों ने अपनों को मुबारकबाद के संदेश भेजे। शहर, कस्बा व ग्रामीण क्षेत्र में ईद की इबादत के बाद लोगों ने खुशी का इजहार किया। शहर के बेलसड़ ईदगाह में काफी संख्या में लोगों ने पेश इमाम के पीछे नमाज पढ़ी। लोग कहीं मेजबान बने तो कहीं दिली मुबारकबाद देने मेहमान बनकर पहुंचे और गले मिले। महिलाओं और बच्चों की टोलियों ने भी शुभचिंतकों के घर खुशियां मनाई। शहर के बुद्धा पार्क, उद्यान पार्क, बाल गंगा बैराज सहित अन्य स्थानों पर बड़ों के साथ पहुंचे बच्चों ने खुशियां मनाई। आज ईद उल फित्र है, यौमुल जजा जिसे कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये जो दिन है इसे यौमुल ईद कहते हैं और इसका दूसरा नाम यौमुल जजा भी है। अब कहें तो इसको तफसील से बयान कर दूँ। यौमुल ईद यानी खुशियों का दिन कहते हैं और यौमुल जजा यानी जो एक महीने अहले ईमान मुसलमानों ने रोज़े रखे, अल्लाह उसकी बरकतें अता फरमाता है आज के दिन और बंदे जो तलब करते हैं रब उसे अता करता है। और अहले ईमान की सबसे पहली मांग रब की बारगाह में जो दुआ होती है वो मगफरत यानी माफ़ कर दिए जाएं। आज के दिन रब की बारगाह में माफ़ी मांगी जाती है, रोज़े के कबूलियत की दुआ की जाती है, इसलिए इसे यौमुल ईद भी कहते हैं और यौमुल अज्र भी कहते हैं, यौमुल जजा भी कहते हैं। और आप न्यूज़ वाले हैं तो मैं एक बात और बता दूं, आपको भी ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और जो जहां से इस न्यूज़ को देख रहा हो आज के दिन की यानी यौमुल ईद की मुबारकबाद उन्हें पेश करता हूं। मुसलमानों के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए और हमारे मुल्क के बाशियों के लिए दुआ है कि अल्लाह हर एक को तरक्कियाँ अता फरमाए और आपसी मेलो मोहब्बत अता फरमाए। ये हमारे जज साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर जज साहब हैं, ये भी अपनी तरफ से ईद की मुबारकबाद अपने मुल्क वालों को दे रहे हैं माशाल्लाह। और ये हमारे मस्जिद के सदर साहब के साहबजादे हैं, बड़े साहबजादे, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दीन की खिदमत बहुत की, इन्होंने भी दीन की खिदमत की और हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी की। आज जनपद में ईद मनाई जा रही है और जितने भी मस्जिद और ईदगाह हैं हर जगह जुम्मे की नमाज भी अदा की जा रही है। मेरे द्वारा भ्रमणशील रह के कई जगह पर चेकिंग की गई है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगा हुआ है और जितने भी लोग ईद पढ़ने आ रहे हैं बहुत खुशी से और बहुत शांतिपूर्वक त्यौहार को मना रहे हैं। इस पूरे जनपद में कहीं भी अभी तक किसी भी एलओ की समस्या नहीं आई है। बहुत अच्छे से हर साल की तरह इस बार भी हम लोग ईद का त्यौहार सकुशल संपन्न कराएंगे।